बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, एससी एसटी मोर्चे का जो अधिवेशन आपके यहाँ होना था लखनऊ में, उसको जगह बदल दी गई है, दूर पहुँचा दिया गया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, पांच राज्यों से चुनाव से मतलब नहीं है। दरअसल में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे का एक राष्ट्रीय महाधिवेशन होना था, लेकिन वो औसत पूरा तैयारी भी करीब करीब हो ही गई थी। क्योंकि दिसंबर महीने में ये होना था, इसलिए सर्दी बहुत ज़्यादा दिसंबर और जनवरी में पड़ती है उत्तर प्रदेश में, खास करके लखनऊ में। इसलिए सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है स्थान उसका चेंज किया गया और महाराष्ट्र कर दिया गया। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है चुनाव के रिजल्ट आने के बहुत पहले ही कर दिया गया था। कम से कम आज से 20 से 25 दिन पहले इसका निर्णय ले लिया गया था। राफेल डील की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो नतीजा जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उसको वापस लेना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं? कल मोदी जी की रैली भी हुई रायबरेली में। लेकिन राफेल डील पे तो विपक्ष बेवजह की बवंडर फैला रहा है। आज गरीबों को जो तमाम सुविधाएं मिल गई हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर चूल्हा हो, चाहे कच्चे आवासों को पक्के आवास हों गांव में, और चाहे जो है मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मीटर और एलईडी बल्ब मिल गया, ये सारी सुविधाएं 5 लाख रुपए तक के जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज जो मिल रहा है, ये सारा ज़्यादातर गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। इससे जो है विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि जब उनकी सरकारें रहीं तो ना तो उनको 5,000 रुपये का मुफ्त में इलाज दिया, ना किसी को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया, ना किसी को गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, ना किसी को आवास देने का काम किया, ना शौचालय देने का काम किया। तो ये उस चीज़ों से घबरा करके कि ये जनता जो है मोदी जी के साथ खड़ी हो जाएगी, गरीब आदमी खड़ा हो जाएगा, उससे बचने के लिए ये लोग राफेल डील वाले मामले पर इसको मुद्दा बना करके झूठ मूठ प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं और जनता का माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कुछ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दे दिया तो उस निर्णय को इनको मानना चाहिए। बाकी अगर ये लोग अगर और कुछ इस तरीके की बात करना चाहते हैं तो बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ये कह रही कि पार्लियामेंट के अंदर आप उसकी खुली चर्चा कर लो। खुली चर्चा से तो बड़ी चर्चा कोई होती नहीं। वो JPC की मांग बार बार करते हैं, तो JPC की मांग करने से क्या मतलब? वो तो सांसदों की कमेटी बनेगी, उसमें अपना वो बात करेंगे, जानबूझ करके टालने का प्रयास कर रहे हैं। खुले आम चर्चा कर रहे हैं लोन कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जब सदन चलता है तो लाइव उसका जो है टेलीकास्ट होता है, पूरा देश देखेगा, जनता देखेगी। एक एक चीज़ के सवाल जो वो करना चाहते हैं वो करें, हमारी सरकार उसका जवाब देने का काम करेगी। उससे ये कतराने का क्यों काम करते हैं? इसलिए वो जानबूझ करके मुद्दे को उठा करके उसको उठाते भी हैं और उसको जो है तूल पकड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामना करने का जो है विपक्ष में दम नहीं है, इसलिए वो सामना करने के लिए तैयार नहीं। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री बनने के बाद कल पहली बार रायबरेली में रैली की है प्रधानमंत्री ने, क्या लगता है 2019 की शुरुआत हो चुकी है? उत्तर प्रदेश जो है वहीं से ही सारी चीज़ें निकल कर आनी है। देखिए, बहुत सी चीज़ों की वहाँ पर योजनाएं थी लागू करना है, वहाँ पर तमाम चीज़ों की जाके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और कुछ योजनाओं को लागू करने का काम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रायबरेली में रैली किया है, रायबरेली में भी किया, प्रयागराज में भी किया, दो जगह रैली करने का काम किया। चुनाव का अगर आप अगर देखें तो चुनाव तो मार्च और अप्रैल में होना ही है हर कीमत पे, लेकिन जो हमारी सरकार है माननीय मोदी जी जो है या माननीय योगी जी जो है, अपनी योजनाओं को जनता के बीच में, जनता के सामने अपने उस पर रखने का काम कर रहे हैं, अपने द्वारा रखने का काम कर रहे हैं और जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि विपक्ष की वो सारी चीज़ों को भ्रमित होने में काम न करें। जहाँ तक के रायबरेली का है तो रायबरेली में अगर चले जाइए तो आज भी वहाँ पर गरीब तबके की महिलाएं, जबकि वहाँ से इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बनी और सोनिया गांधी जी वहाँ से लगातार हैं और 10 साल जो है UPA की सरकार जो रही वो भी उन्हीं के नेतृत्व में चलती रही। उसके बाद भी अगर चले जाएँ तो मैं कई गांव गिना सकता हूँ जहाँ पर बेचारी गरीब महिलाएं आज भी शराब बनाने का काम नहीं, उनको रोजगार दिलाने का काम नहीं किया, उनको कोई जो है योजनाएं दिलाने का काम नहीं किया। दलित समाज की, पिछड़े समाज की महिलाएं ज़्यादातर बेचारी ऐसे धंधे करके जो है शराब बनाना या ये करना उसके द्वारा अपने परिवार को चलाने का काम, पेट पालने का काम करती। मैं खुद गया हूँ, मैं खुद मिला हूँ उनसे।
तो वहाँ पर रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं लोगों को लेकर के दबाव में डाल करके या मान लिया कि पैसा आधाधुन बहा करके उस चुनाव को जीता जाता है, मुद्दों के आधार पर जो है चुनाव ना जीता जाता है। और ना सोनिया जी और ना राहुल जी, ये लोग अपने क्षेत्रों में गरीब जनता के अंदर इनकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन गरीब जनता का मन मरा होता है कि अरे यही जीतेंगे यही जीतेंगे, चलो वोट डालो। तो कुछ लोग डालने भी जाते, कुछ लोग नहीं भी डालने जाते, वही ज़्यादातर लोग चले जाते हैं वोट डालने, परसेंटेज भी वहाँ वोट का कम रहता है, तो ज़्यादातर वही लोग वोट ले जाते हैं जो उनके पक्ष के लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो है जो 10-10 साल जिसके नेतृत्व में यूपीए की सरकार चली हो, अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट ना कर पाए हो, देश की तो बात ही खत्म कर दीजिए। अगर मौजूदा वहाँ पर जा करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ख़राब स्थिति रायबरेली और अमेठी की मिलेगी, इसलिए कि उन्होंने जनता के हित के लिए, और कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी मैं आज 4.5 साल हो गया पार्लियामेंट के अंदर, माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने अमेठी के और अपने लोकसभा क्षेत्र के एक भी इशू को उन्होंने कभी उठाने का काम नहीं किया। को किस मुँह से उठाएंगे? अगर उठाएंगे भी वहाँ पर तो होगा कि तुम्हारी 10 साल की यूपीए की सरकार में तुमने वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? तो कोई काम खुद तो उन्होंने अपने लोकल क्षेत्र में किया नहीं। कोई मजबूत कैंडिडेट अगर वहाँ पर अच्छी तरीके से अगर उनका सामना करने के लिए आ जाएगा तो निश्चित तरीके से वहाँ पर भी बीजेपी जीतेगी और सोनिया जी और राहुल जी दोनों हारेंगे। सर, पिछले हफ्ते जो मोदी जी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, क्या गुरु मंत्र दिया है इस बार? नहीं नहीं, जो संसदीय दल की बैठक बुलाई थी उसमें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे और अनंत जी जो हमारे उसके वो रहे केंद्रीय मंत्री रहे संसदीय कार्य मंत्री के, उनके विषय में एक पूरी रिपोर्ट और पेश हुई और उनको शोक श्रद्धांजलि दी गई। और इस तरह की कोई बात नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने तो आने वाले समय में जो चुनाव होता है, ये जो होगा संसद चलेगी पार्लियामेंट, तो उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें आनी है, क्या आनी है, उस पर उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की, बाकी और कोई बात नहीं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।